नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी भोजपुरी श्रोता को बार बार नमस्कार। मुरलू सांवरिया आपका, आप सभी का बार बार अभिनंदन करता है। आप सबों के बीच में आने का कारण है, अचानक से मैंने YouTube पे कुछ बातें ऐसे देखी। YouTube पे काफी वायरल हो रहा है और Facebook पे भी मैंने देखा। मेरे छोटे भाई जैसे हैं मेरे, और बहुत ही अच्छे सिंगर, उम्दा सिंगर, जो कि पीछे के कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे संगीत देकर, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाकर उन्होंने पब्लिक का प्यार जीता है, नीलकमल सिंह। उनका बड़ा अजीब सा मैंने देखा, मैंने सुना ये गीत जो उन्होंने गाया है अक्षरा सिंह जी पे, बहुत अजीब सा लगा मुझे, काफी दुख हुआ मुझे। मैं समझता हूं कि नीलकमल सिंह जी को जिस हिसाब से नाम मिल रहा है, जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है पब्लिक का, उस हिसाब से वो उस जगह पे हैं जो कि उन्हें कोई भी कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। नीलकमल जी अब वो लड़कपन नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। अब आपका नाम है, आप भोजपुरी सुनने वालों के, भोजपुरी देखने वालों के आप दिल में बसते हैं, तो आपका एक एक कदम बहुत मायने रखता है, बहुत असर करता है। और किस इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे हैं, जिस इंडस्ट्री से आप खुद बिलोंग करते हैं, आप खुद आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर किसी में दाग है मेरे भाई, कोई यहां भी बिना दाग के नहीं है। किस पे आप उंगली उठा रहे हो, किसी का पास्ट, किसी का प्रेजेंट, किसी का फ्यूचर, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। किसकी किस भावना से प्यार रहा, नफरत हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि नीलकमल जी को इस बारे में कुछ स्टेटमेंट देना या कुछ बारे में व्यंग करना, उनके लाइफ के बारे में, पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी के बारे में कमेंट करना, इस तरह का व्यंग करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। आप पब्लिक के सामने, हमारे भोजपुरी श्रोता के सामने किस हकीकत को बयान करना चाहते हैं? अपने घर की इज्जत आप खुद ले रहे हैं, अपने इंडस्ट्री को आप गलत मायने प्रस्तुत करके आप अपना भी इमेज बिगाड़ रहे हैं, गलत है ये। अक्षरा सिंह जी बहुत ही आदरणीय कलाकार हैं, पवन सिंह जी बहुत ही आदरणीय कलाकार हैं। ये उनका पर्सनल मैटर था कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या थे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में किसी को बोलने का कोई हक है, नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूं कि अपनी कलाकारी पर ज्यादा फोकस किया जाए और व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर अपने कैरियर के बारे में ज्यादा सोचा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है हर कलाकार के लिए। स्टेटमेंट देखा मैंने फेसबुक पे कि आज तक मैंने अश्लील नहीं गाया। ठीक है, अश्लील नहीं गाया, आप अश्लील गाने वालों को अश्लील कैसे कह सकते हैं, गलत है ये। आप अश्लील नहीं गाते, लेकिन आपका ये जो व्यंग जो है, जो कि वायरल हुआ है, आप ही के चाहते लोगों ने वायरल किया होगा ये, जो कि आपके साथ बैठ के मजे ले रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता रख के अगर आप समाज में अच्छा परोसते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी है, तो मैं नहीं समझता कि आप कुछ अच्छा दे रहे हैं भोजपुरी को। मानसिकता साफ कीजिए, ये तो एक दुकानदारी है ना। कोई नॉनवेज की दुकान रखता है, कोई हरे सब्जियों की दुकान रखता है, कोई अश्लील गा रहा है, कोई साफ सुथरे गा रहा है, सभी के श्रोता हैं अपने अपने, लेकिन किसी के बारे में कोई व्यंग करना ये समझदारी का काम नहीं है। बहुत ही गलत लगा ये सुन के, देख के, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नीलकमल जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, अब क्या बोला जाए इस बारे में, लेकिन गलत तो गलत है। जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं।
खुद को देखिए, हर किसी को, मुझे भी, आपको भी, या जो भी व्यंग करता है या जो भी दूसरे के बारे में कोई कमेंट करता है, उसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि मैं क्या हूं, उसके बाद किसी पे कमेंट करना चाहिए। मैं तो बाबा विश्वनाथ से और माता विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपने गलती कर दी है, इस गलती को अगर पब्लिक, अगर हमारे भोजपुरी श्रोता, अक्षरा सिंह जी को चाहने वाले, पवन सिंह जी को चाहने वाले, जो भी श्रोता है, वो अगर आपको माफ करते हैं तो मैं समझूंगा ये आपके लिए बेटर है। बस यही कहने के लिए, यही शेयर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। जो भी मेरे छोटे कलाकार बंधु हैं, जो भी भाई हैं, जो कि आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई नीलकमल सिंह जी की तरह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, ऐसी मानसिकता ना रखें, आप लोग दिल साफ रखें और हर किसी की इज्जत करना सीखें, ज्यादा बेटर होगा। चलिए इसी के साथ अपने बातों को मैं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।